स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग क्लास। माय नेम इज रौनक जैन फ्रॉम जॉय एंड कैंपियन स्कूल सागर। टुडे वी विल स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास फिफ्थ। सो ऑल ऑफ यू टेक आउट योर इंग्लिश बुक्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। क्लास वी विल स्टडी इंग्लिश ऑफ क्लास फिफ्थ। वी विल डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ पोएम जस्ट अ चाइल्ड। So question number first is, describe what do you think is happening in the poem. So the answer is, this poem is revolving around a poor little boy who works as a waiter. The boy is not able to read and write. Giving him money is no solution, but if he taught will bring a revolution. ये पोयम जो है ये छोटे से गरीब लड़के के बारे में है जो कि एक वेटर के जैसे काम करता है और वो पढ़ना और लिखना नहीं जानता। उसे पैसे देना कोई सॉल्यूशन नहीं है, पर अगर उसे पढ़ाया जाए तो जरूर एक चेंज आ सकता है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉय नॉट व्हाई इज द बॉय नॉट एबल टू रीड द न्यूज़पेपर। बॉय जो था वो क्यों न्यूज़पेपर रीड करने के लायक नहीं था। सो आवर आंसर इज बी, ही डज नॉट नो हाउ टू रीड। उसे नहीं पता था कि कैसे पढ़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर थ्री, डू यू थिंक एनीबॉडी केम टू हेल्प हिम रीड द न्यूज़पेपर। क्या आपको लगता है कि कोई आया उसकी मदद करने न्यूज़पेपर को पढ़ने में। आंसर नंबर थ्री, नो, नहीं, कोई नहीं आया उसकी मदद करने में न्यूज़पेपर को पढ़ने। वो न्यूज़पेपर अपने हाथों में पकड़ता और उसकी आंखों में आंसू थे। वो पढ़ने की कोशिश करता पर उसमें सफल नहीं हो पाता। नो, नोबडी केम टू हेल्प हिम रीड द न्यूज़पेपर। ही होल्ड्स द न्यूज़पेपर इन हिज हैंड्स एंड टीयर्स इन हिज आईज। ही ट्राइड टू रीड बट डिड नॉट सक्सीड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज, हाउ डज द प्लाइट ऑफ द लिटिल बॉय मेक यू फील। जो छोटे लड़के की व्यथा थी वो आपको कैसा फील करा रही थी। आंसर नंबर फोर्थ इज, वी फेल्ट वेरी सॉरी एंड बैड फॉर हिज सिचुएशन बिकॉज ही वॉज अनेबल टू स्टडी एंड गिविंग मनी वॉज नॉट एनी सॉल्यूशन, बट इफ वी विल कम टूगेदर वी कैन लिट द फ्लेम ऑफ नॉलेज। हमें उसकी कंडीशन पे बहुत ही बुरा और सॉरी फील हो रहा था क्योंकि वो पढ़ाई नहीं करना जानता था और उसे पैसे देना भी कोई हल नहीं था, पर अगर हम एक साथ आए तो हम ज्ञान की जो रोशनी है उसे जला सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इज, पोएट का मींस जिसने पोयम लिखी है उसका क्या मतलब था कि ईच वन टीच वन विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन। क्या आप उसके साथ सहमत हैं, जवाब दें। आंसर है, ईच वन टीच वन विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन मीन्स इफ ईच वन विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच एटलीस्ट वन सो कॉमा दिस कैन ब्रिंग हैप्पीनेस कॉमा रिजॉइस एंड फाइनली रिवॉल्यूशन। ईच वन टीच वन विल ब्रिंग रिवॉल्यूशन से मतलब है कि अगर एक इंसान भी एक को पढ़ाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ले तो इससे खुशहाली और फाइनली जो रिवॉल्यूशन है, जो चेंज है, वो आ सकता है। सो हेयर आवर क्वेश्चन आंसर ऑफ पोयम जस्ट अ चाइल्ड इज कम्प्लीटेड। यू हैव टू कम्प्लीट दिस। आपको इन्हें अपनी CW में कम्प्लीट करना है क्वेश्चन आंसर्स को। और यहाँ हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट जो है वो फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास से हम यूनिट 2 पढ़ेंगे। टिल देन स्टे एट होम, स्टे सेफ, कीप स्टडीइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।